प्रेम से हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उषतन ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ देखिए धूप निकल चुकी है, क्योंकि मौसम आजकल पता है ऐसे ही हो रहा है, कभी बारिश होने लगती है। बारिश भी तो नहीं हो रही है ना, झरना से पड़ता है, फिर धूप निकल आती है, फिर बादल हो जाते हैं, फिर झरना पड़ता है, ये बस ये हाल हो रहा है। और करीबन ये वाला टाइम हो रहा है जो मैं चावल बना रही हूँ बच्चों के लिए। इस टाइम पर मैं चावल बना रही हूँ बच्चों के लिए, और ये टाइम हो रहा है 12:15 या 12:30 का टाइम हो रहा है। और रक्षित स्कूल गया है, गोलू और रुद्र की छुट्टी थी स्कूल की, तो वो दोनों कहने लगे मम्मी चावल बना दो। मैंने सोचा चलिए अभी बना देती हूँ, क्योंकि रक्षित का भी टाइम हो रहा है स्कूल से आने के लिए। तो एक तरफ तो मैंने इंडक्शन पर चावल रख दिए थे बनाने के लिए, क्योंकि चावल बनाने के बाद में मुझे लगानी है मशीन, क्योंकि मैं ये सोच रही हूँ कि रक्षित स्कूल से आया ना, उससे पहले ये जितने भी मेरे कपड़े हैं ये धुल जाए और ये सूख जाए। वैसे रक्षित को आने में ज़्यादा टाइम तो नहीं है, क्योंकि 12:30 का टाइम हो रहा है, 12:15 है, 12:30 का टाइम हो रहा है, मुश्किल से 15-20 मिनट का टाइम है। तो रक्षित स्कूल से आ जाएगा, उसके बाद में फिर मुझे दोबारा लगानी है उसकी यूनिफॉर्म वगैरह धुलनी है, और टॉवल वगैरह तो भी मैं निकाल दूँगी धुलने के लिए। तो यहाँ देखिए बस चावल मैंने इंडक्शन पर रख दिए हैं बनाने के लिए, और बस मशीन लगाने के बाद में और मेरे कपड़े धुल जाएंगे, जो भी मतलब जो भी क्या सभी धुल जाएंगे। और रक्षित आएगा, जब रक्षित के जो वाइट यूनिफॉर्म पहन के आया वो धुल जाएगी। उसके बाद में देखिए मैं यहाँ वर्दी वगैरह ये सब कुछ डाल दूँ। सबसे पहले ना मैं बच्चों की यही स्कूल की ड्रेस वगैरह ये सब कुछ धुलती हूँ, क्योंकि मुझे ना अभी रक्षित की जो पहन कर जाता है वो वाली, और रुद्र की, गोलू की ये वाली ड्रेस वगैरह धुलनी है, और साथ में वर्दी भी डाल दूँगी। सबसे पहले मैं ये चीज़ धुलती हूँ, बाद में बाकी कपड़े धुलती हूँ जो डार्क वाले होते हैं, है ना। तो हमने अपना जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं, क्योंकि अभी रक्षित को भी लेने के लिए जाना है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुनिए काम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। इसे भी धुल दूँ क्या? अच्छा तो धुलना ही था, धुल देती हूँ, धूप निकल गई है। मैंने यहाँ लगा रखी है मशीन, आप ये सोचो कि ये रोज मशीन लगा लेती है, पर क्या करूँ, कपड़े जो धुलने हैं वो धुलने हैं, जो काम मुझे करना है वो तो करना ही है। और टाइम बताती हूँ टाइम कितना हो रहा है, टाइम 12:15 का टाइम हो गया है। तो यहाँ मैंने लगा रखी है मशीन, जिनकी कपड़े धुल जाते हैं, पतिदेव की वर्दी वगैरह है, और अब ये टॉवल वगैरह धुलनी है, जो गंदे कपड़े हैं ये हैं टॉवल हैं, टॉवल में हफ्ते में 2 बार धुल देती हूँ। देखिए बादल कितनी तेज़ आ रहा है, काला काला बादल फिर से आ रहा है, बारिश जैसे कितना बरसेगा। मैंने थोड़ा आंगन में पानी डाल देती हूँ, पैर ना ऐसे हो रहे हैं, रखे नहीं जा रहे हैं, मतलब बहुत मिट्टी मिट्टी हो रही है, पता नहीं कहाँ से इतनी मिट्टी आ रही है। तो बहुत ज़्यादा मिट्टी मिट्टी हो रही है, और मैंने ना मशीन इसलिए लगा दी अभी इस टाइम पर कि धूप निकल रही है, जो कपड़े सूख जाएंगे, हवा लग जाएगी तो वो सूख ही जाएंगे। बाकी का ये है कि रक्षित की ड्रेस अभी तो खैर अभी लगाई है, मशीन आ जाएगा तो जब धुल दूँगी, वाइट पहन करके गया है, और नहीं उसके तो हाथ से निकाल दूँगी। और आज रुद्र की छुट्टी थी, आज रुद्र की PTM थी, तो आज रुद्र की छुट्टी है, तो ये सो गया। रुद्र साइंस का टेस्ट है शाम को कोचिंग में, हाँ तैयारी कर लेना अच्छे से, थोड़ी देर आराम कर लो। और गोलू की तो आज छुट्टी है, सेकंड सैटरडे है इसलिए। और यही मैंने ना चावल रख दिए हैं बनाने के लिए इंडक्शन पे, देखिए कितना अच्छा हो जाता है ना मेरा, कि साथ में मेरे कई काम हो जाते हैं। अब जैसे कि मशीन भी लगा दी है, मशीन का भी काम हो रहा है मेरा, और साथ में मैंने चावल भी रख दिए इंडक्शन पर बनाने के लिए, तो चावल भी बन जाएंगे और मेरे ना मशीन का भी काम फ्री हो जाएगा, मतलब मैं मशीन से भी फ्री हो जाऊंगी। और रक्षित आ जाएगा तो फिर रक्षित के भी कपड़े निकाल दूंगी, मतलब ड्रेस वगैरह स्कूल की निकाल दूंगी। क्या कर रहा है, नहीं मानेगा? रैम्बो है, देखना, देखो देखो, दिखाओ कर क्या रहा है, देख रहे हैं, तुझे ही देख रहे हैं।
कभी इधर से निकलेगा, कभी साइकिल के पीछे से निकलेगा, कभी कुछ करेगा। ये मेरा बहुत काम बिगाड़ता है। इसकी वजह से है ना मैंने अपने पूरे गमले है ना इस पर रखे हुए हैं, ये सब बेकार कर दिए। कितने छोटे छोटे सुंदर सुंदर फूल आते थे ना पिंक कलर के, इसी ने कर दिया सब बेकार। रुक जा अभी एक बाल्टी और पानी मार मेरे, क्योंकि ये है ना बहुत बेकार हो रहा है आंगन। तो चावल भी हमारे बन करके तैयार हो जाएंगे, हमारे कपड़े भी धुल जाएंगे। 12:20 एक बजे तक रक्षित आ जाएगा। चलिए हम जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं, देखिए हो गया बारिश जैसा मौसम, इसलिए सोचती हूँ कि जो काम मेरा हो जाए ना वो हो जाए, और जो कपड़े मुझे धुलने हैं तो वो धुल करके फ्री हो जाऊँ। देखिए कितना मौसम वो हो गया है, अभी बारिश नहीं आई, मेरे थोड़े कपड़ों में हवा लग जाए जो मैं धुल रही हूँ। रक्षित स्कूल से आ जाए, देखना देखो कैसे कितना हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गया है। हमारे तुलसाजी में छोटे छोटे पेड़ और हो रहे हैं, मतलब उग रहे हैं। चलिए तो मैं जल्दी जल्दी अपना काम कर लेती हूँ, बाकी का तो कुछ नहीं है, बर्तन मैंने कर ही दिए हैं साफ, रक्षित का ही वेट कर रही हूँ स्कूल से आने का। चावल बनाने के लिए रख दिए इंडक्शन पे, और चावलों के साथ साथ मैंने मशीन भी लगा दिया, क्योंकि भाई लाइट का पता नहीं है, बारिश आ जाएगी तो लाइट का पता नहीं है, और फिर सूखते नहीं है कपड़े, तो मैं सोच रही हूँ कपड़े धुल दूँ, फ्री हो जाऊँ धुल करके। उसके बाद मैं मेरे कपड़े जो मैंने कल धुले थे, जैसे कि देखिए अभी इसकी ये पैंट पड़ी हुई है स्कूल की, ये थोड़ी गीली थी, इनमें धूप लगाई है, जो अभी हल्की फुल्की धूप निकली थी ना, जो कल के कपड़े में धूप लगा करके रख दिया, वो रखी है स्कूल की यूनिफॉर्म चेक वाली, जूम करके दिखाऊँ क्या, ये वाली देखिए ये वाली रखी हुई है ना। तो ये जो है ना मुझे प्रेस करने हैं सभी कपड़ों पर प्रेस करनी है मुझे, तो मैं सोच रही बस अपने इस वाले काम से फ्री हो जाऊँ। और रक्षित आया है, रक्षित का थोड़ा खाना पीना खिला करके, दूध खिला करके उसे, क्योंकि उसे आने के बाद में मैं थोड़ी देर बाद उसे बोलता हूँ मम्मी दूध चाहिए, दूध देता हूँ, तो इस वजह से उसे आप इस थोड़ी देर सुलाऊँगी उसे, उसके बाद में मैं फिर प्रेस करूँगी, जब तक रक्षित की भी यूनिफॉर्म सूख जाएगी। इसलिए रैमो नहीं मानेगा, देख कितना काम बिगाड़, नहीं सुनेगा। पापा की बाइक का कवर है, बहुत मारेंगे बता दे रही हूँ, जान के काम करता है ना, एक जगह नहीं बैठ सकता ना, ठीक है मत बैठ, अभी पापा को बोलूंगी, देख पापा का बाइक का कवर उसे खींच रहा है, इनके बाइक के कवर को खींच रहा है, फिर वो उसमें ना बैठ जाएगा, बेकार कर देगा सब। तो चलिए हम जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं, भाई मौसम ख़राब हो गया है ना। और यहाँ ना देखिए हमारे कपड़े के धुल करके तैयार हो गए थे, ज़्यादा धूप तो नहीं थी पर मैंने डाल दिए थे जिससे कि इनमें थोड़ी हवा लग जाए, क्योंकि फिर स्मेल हो जाती है। और मैंने बाकी के कपड़े धुलने के बाद मैंने डाल दी थी बेडशीट धुलने के लिए, और यहाँ रक्षित आने वाला है तो मैं रक्षित का वेट कर रही थी, बाकी का मेरा पूरा काम हो गया है, बस रक्षित आ जाएंगे तो रक्षित की भी स्कूल की यूनिफॉर्म वगैरह धुलनी है मुझे, और चावल वगैरह भी हमारे बन चुके हैं, बच्चों को दे दिए हैं, रक्षित रह गया, रक्षित आ जाएगा जब उसे भी चावल वगैरह डाल के मतलब प्लेट में लगा करके दे दूँगी मैं। और यहाँ ना रक्षित की स्कूल की बस आ गई थी, तो देखिए सामने से येलो कलर की है ना, ये रक्षित की स्कूल की बस है, तो रक्षित आ चुके हैं स्कूल से। और आज का हम वीडियो जो है ना यहीं पर एंड करते हैं अपनी वीडियो का, जरा सा भी पसंद आया हो ना तो प्लीज़ लाइक कमेंट से ज़रूर कर देना, जो न्यू है सब्सक्राइब जरूर कर देना आप, शेयर भी कर देना आप।